नमस्ते, मैं अश्विनी देवरे। मैंने कजाकिस्तान में 14 अगस्त 2022 को आयरमैन कंप्लीट किया और मैं डिफेंस वुमेन्स फर्स्ट रही वो आयरमैन में। और मेरा आयरमैन का एक्सपीरियंस तो बहुत ही अच्छा रहा। मेरी जर्नी थोड़ी डिफ़िकल्ट रही, मगर मुझे जब मैंने शुरुआत में मुझे स्विमिंग नहीं आती थी, फिर बाद में मुझे मेरे बच्चे ने सिखाया, फिर ओपन वाटर मुझे इंग्लिश सर ने सिखाया और मेरा स्ट्रेंथ भी थोड़ा सा कम था, तो मैंने कुछ दिन के लिए मुस्तफ़ा सर के पास जिम लगाया तो मेरा स्ट्रेंथ वर्कआउट बढ़ गया। और बाद में मैंने साइकिलिंग लिया, रोड बाइक, तो उसमें भी थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम आया क्योंकि मेरी साइज एस थी और मुझे जो शॉप से लिया था शू सेक्टी उन्होंने एम दे दिया था, तो मेरा दोनों भी नी का प्रॉब्लम हो गया था। तो फिर मैं साइकिल चलाना भी मुश्किल हो गया था, तो मैंने नासिक के बहुत सारे डॉक्टर्स के पास गई तो मुझे सजेशन मिला था कि आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। मगर मैंने मुस्तफ़ा सर के पास आई और सर को मैंने बोला कि सर ऐसे ऐसे हुआ और मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि मेरा इवेंट पास में आ रहा था, तो सर ने बोला था कि डरो मत आप। तो सर ने मेरा फिजो किया, 1 मंथ सर ने मुझे टाइम दिया और उसमें मैं कवर भी हो गई। और मैंने उसमें मैंने बहुत सारे मैराथन भी किए और इवेंट में भी मुझे कुछ ऐसा तकलीफ नहीं हुआ कि मुझे ऐसे डर था कि मैं कहीं साइकिलिंग हो जाएगा तो मुझे रनिंग में कुछ प्रॉब्लम आएगा, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। और मतलब विदाउट मेडिसिन मुझे सर ने क्लियर कर दिया। और ऐसे मेरी जर्नी में प्रैक्टिस तो मेरा ड्यूटी आवर्स और बच्चे को संभाल के मुझे करना पड़ता था, तो मैंने प्रैक्टिस में कभी ऐसे ये नहीं डाला कि कोई मतलब मैंने ऐसे कभी बोला ही नहीं कि मुझे आज ड्यूटी है और मैं प्रैक्टिस छोड़ दूँ। तो मैं कभी दिन रात, कभी ऐसे बारिश है, ऐसे कभी मैंने बहाना बनाया नहीं और मैं प्रैक्टिस लगन से करते ही रही थी। इसमें मुझे कोई तकलीफ़ आती थी तो मैं सर से भी, मुस्तफ़ा सर से भी शेयर करती थी, इंग्लिश सर से भी शेयर कर लेती थी। और पुणे में एक विजय बसवे सर थे, उसने आयरमैन किया था तो उसने भी मुझे काफ़ी हेल्प किया था कि मैडम आप कर सकते हो। कभी कभी मेरे हस्बैंड आर्मी में थे तो एक साल वो छुट्टी नहीं आ पाए थे, तो उस टाइम में भी मुझे ऐसे डर लगता था कि वो नहीं आ रहे, बच्चे का भी जिम्मेदारी था। तो उस टाइम में इंग्लिश सर, मुस्तफ़ा सर और वो विजय बसवे सर, इनसे मैं बहुत सारी बातें शेयर भी कर लेती थी। वो मुझे मतलब बहुत ऐसे सपोर्ट मोटिवेट करते थे कि मैडम आप कर सकते हो, आप करना चाहिए और आप करोगी, ऐसे ही बोलते थे। और उसके बाद में मैं कजाकिस्तान में जब पहुंची तो इवेंट था 14 अगस्त को और मैं पहुंची 12 को, तो उसी दिन मैं पहुंच के मुझे इसे थोड़ा सा डर था स्विमिंग का, तो मैं उस दिन ही स्विमिंग कर लिया था कि वो पानी कैसे मुझे पता चलना चाहिए, इसीलिए। तो दोपहर हो गई थी तो बाद में मुझे वो स्विमिंग किया था तो थोड़ा सा ठंड भी लगने लग गई थी और मेरी तबीयत थोड़ा सा ख़राब हो गई थी। और दूसरा प्रॉब्लम था कि मैं थोड़ी सी मेंटली भी प्रिपेयर नहीं होती क्योंकि मेरी साइकिल का भी प्रॉब्लम हो गया था। जब हम लोग पैकिंग के लिए आए तो वहाँ पे ही पता चल गया था कि उसका क्रैम्प जो है ख़राब है। तो मैंने वहाँ पे इधर नासिक में भी मैंने बहुत सारे शॉप ढूंढे थे मगर किसी ने इतना अच्छा करके नहीं दिया था। तो फिर मैंने वहाँ पे एक मैकेनिकल ढूंढा, उसने 50% खाली करके दिया था। वो भी वो प्रेशर था मेरे ऊपर और तबीयत भी ख़राब हो गई थी। फिर वहाँ पे डॉक्टर वैभव पाटिल सर और गचाले सर ने मुझे जो दवाई थी वो दी थी तो मैंने वो खाई थी। फिर भी 14 तारीख को जो मॉर्निंग में उठी तो मुझे बहुत ज़्यादा तेज बुखार भी था और खांसी भी थी, मगर मैंने खुद को ऐसे तय कर लिया था कि नहीं नहीं आप इतने दूर से आए और बहुत सारे चीज़ें मैंने यहाँ पर तय की ये थी कि नहीं नहीं मैं तो जब घर से निकली थी तो मेरा टारगेट मैंने बुक पे लिखे गई थी कि अश्विनी तुझे 12 घंटे में करना था। और मुस्तफ़ा सर के तो हमेशा बोलते थे कि मैडम आप 12 घंटे में ही कर लोगे, और हम लोग वैसे ट्रेनिंग भी किया था कि हम लोग कम से कम टाइमिंग में वो करेंगे, बहुत हेवी ट्रेनिंग हमने किया था। मगर जब वो मैं स्विमिंग में स्टार्ट किया तो मेरी खांसी बहुत बढ़ गई थी और लोग सब साथ में उतरे थे तो बहुत सारे लोगों के मुझे ऐसे मार भी पड़ी, मेरा गॉगल निकल गया था। 100 मीटर गई मैं तो बहुत ज़ोर से खांसी भी होने लगी, तो मैंने ब्रेक स्टॉप किया और खांसी निकाली और ख़ुद को बोला कि नहीं आपको करना है आप बहुत, मतलब मेरे बच्चे की आवाज़ आ रही थी, सर की आवाज़ आ रही थी, सब आवाज़ मेरे कान में ऐसे गुनगुन रही थी। और मैंने स्टार्ट किया और मेरा टारगेट था स्विमिंग का कि 1 घंटा मैं 30 मिनट में कर लूँगी क्योंकि मैं प्रैक्टिस में 1 घंटा 30 मिनट में ही करती थी, मगर उस दिन मैंने टाइमिंग के पास देखा ही नहीं और खाली मैं कंप्लीट करना चाह रही थी क्योंकि मेरी बुखार भी था और बहुत सारी चीज़ें उस टाइम में
ये कर रही थी, तो मैं जैसे मैं पानी से बाहर आई और मुझे से ठंड लगने लग गई, तो मेरा इसे बाहर आने के बाद मुझे मुस्तफ़ा सर की आवाज़ आई। पता नहीं सर वहाँ पे नहीं थे, मगर मुझे बुखार में ऐसे लग रहा कि सर उधर वहाँ पे खड़े, तो मेरे एक दो फ़ोटो भी है कि मैं वहाँ पे मुड़ के देख रही हूँ कि मैडम आप कर सकते हो, यू कैन डू। तो मैंने बोला कि सर यहाँ पे कैसे आ गए। वैसे मैं बाहर निकली और साइकिल निकाली, तो साइकिल पे मैं बैठी, 5 किलोमीटर दूर गई, तो इतनी ठंड से वो साइकिल से पे मैं उड़ने लगी। और पीछे से वैभव पाटिल सर आए, डॉक्टर वैभव पाटिल, उसने बोला कि मैडम अभी धूप गिरने वाली है, अभी जब धूप गिरेगी तो आपका बुखार भी कम हो जाएगा और ठंड भी कम हो जाएगी। और मैंने खुद को बहुत ऐसे मोटिवेट किया कि नहीं मैं कर सकती हूँ, मैं मेरे साइकिल का नाम रखा है हिरकनी। मैं उनसे भी बात करती थी, मैंने बोला हिरकनी आज मेरी तबीयत ठीक नहीं, आपको मुझे संभालना है। और हम दोनों ने राइड स्टार्ट किया, और राइड स्टार्ट किया तो 50 किलोमीटर तक शायद हो गया था, और साइकिल से आवाज़ आने लगी कट कट कट, और साइकिल पिकअप ही नहीं ले रही थी। बाजू वाला एक पैडल पे जा रहा था और मैं 10 पैडल पे जा रही थी, मतलब मुझे 10 पैडल मारनी पड़ रही थी। फिर भी मैंने मेरे हिरकनी को बताया कि हम लोगों ने प्रैक्टिस बहुत की है, बहुत मेहनत ली है, और मैंने भगवान को आवाज़ दिया कि भगवान मुझे साइकिल के फिनिशिंग लाइन तक लेके चल। और मेरा रनिंग तो बेस्ट पॉइंट था, भगवान ने मुझे वो देन दिया है कि मैं कहीं पे भी कोई मुझे रात को भी उठा के बोलोगे कि मैडम भागो तो मैं भाग सकती हूँ। ये मेरा वहाँ पे जर्नी रहा, और सब ने मुझे यहाँ पे सपोर्ट किया और भगवान ने भी साथ दिया। मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। थैंक यू।